बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल वृक्ष में कौवों का एक झुंड रहता था। हजारों कौवे उस पर वास करते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवर्ण रहता था। उस वृक्ष के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें असंख्य गुफाएं थी। इन गुफाओं में उल्लू निवास करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। अरिमर्दन बहुत पराक्रमी राजा था। वह कौवों से इतनी नफरत करता था कि बिना किसी कौवे को मारे वह भोजन नहीं करता था। जब बहुत अधिक कौवे मारे जाने लगे तो उनका राजा मेघवर्ण चिंतित हुआ और उसने एक सभा बुलाई। मेघवर्ण बोला, मेरे प्यारे मित्रों, आपको तो पता ही है कि हमारा शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उनके आक्रमणों से हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हम पर रात में हमले होते हैं जब हम देख नहीं पाते। हम दिन में भी जवाबी हमला नहीं कर सकते क्योंकि वे गुफा के अंधेरों में सुरक्षित बैठे रहते हैं। अब आप लोग ही मुझे कुछ उपाय बताएं। एक डरपोक कौवा बोलता है, हमें उन उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए और वे जो शर्तें रखें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक निराशावादी कौवे ने कहा, ध्रुव बलवान है, हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। कौवों में सबसे पराक्रमी था स्थिर जीवी, जो कि चुपचाप बैठा था। राजा उसकी ओर मुड़ा और बोला, महाशय आप चुप क्यों बैठे हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। महाराज, यदि शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो हमें बल का नहीं छल का प्रयोग करना चाहिए। कैसे छल की मैं कुछ समझा नहीं। फिर स्थिर जीवी मेघमर्ण की डाली पर जाकर उसके कान में कहता है, छल नीति के लिए हमें ये नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू के जासूस हमारी इस सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद आप सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। फिर नाटक शुरू होता है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है तू? गद्दार, राजा से ऐसी बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजा मेघवर्ण अपने पंखों से जोरदार झापड़ मारकर स्थिर जीवी को तने से गिरा देता है। मैं इस गद्दार स्थिर जीवी को कौवों के समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इससे संबंध नहीं रखेगा। आसपास के पेड़ों में बैठे जासूस उल्लू इस बात को देखकर खुश हो जाते हैं और तुरंत इस बात की सूचना अपने महाराज को दे देते हैं। महाराज, कौवों में फूट पड़ गए हैं। हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। यही सही समय है उन पर आक्रमण करने का। हम आसानी से जीत जाएंगे। बस फिर क्या, सारे उल्लू कौवों पे आक्रमण करने के लिए निकल जाते हैं, परंतु उन्हें वहाँ एक भी कौवा नहीं मिलता, क्योंकि योजना के मुताबिक मेघमर्ण सभी कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत की ओर कूच कर गया होता है। पेड़ से नीचे गिरा हुआ स्थिर जी यह सब देख रहा होता है। फिर वह काव काव की आवाज निकालता है। उसे देख जासूस उल्लू बोला, अरे यह तो वही कौवा है जिसे इनका राजा धक्का देकर गिरा रहा था और अपमानित कर रहा था। तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उसको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व इस समय एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं। हमें उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेघवर्ण क्रोधित हो गया और मुझे फटकार कर कौवों की जाति से बाहर निकाल दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महाराज। उल्लुओं का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके नीति सलाहकार ने उसके कान में कहा, महाराज शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, महाराज इसे हमें अपने साथ मिला लेना चाहिए। यह हमें कौवों का भेद बताएगा। अरिमर्दन को भी स्थिर जीवी को अपने साथ मिलाने में लाभ नजर आया। अरिमर्दन ने अपने सेवकों से कहा, स्थिर जीवी को हमारे शाही मेहमान कक्ष में रुकाया जाए। ध्यान रहे
इन्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर जी भी बोला, महाराज आपने मुझे शरण दी है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर सेवक की तरह ही रहने दीजिए, मैं वहाँ बैठकर आपके गुण गाते रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। इस प्रकार स्थिर जीवी शाही गुफा के बाहर डेरा जमाकर बैठ गया। राजा के नीति सलाहकार ने फिर से कहा, महाराज शत्रु पर विश्वास ना करें। हरिमर्दन ने क्रोध से कहा, तुम मुझे ज्यादा नीति समझाने की कोशिश ना करो, तुम जाओ तो तुम जा सकते हो। नीति सलाहकार अपने 2-3 मित्रों के साथ वहां से सदा के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद स्थिर जीवी गुफा के द्वार पर लकड़ियां लाकर रखने लगा। महाराज सर्दियां आने वाली है, मैं लकड़ियों की झोपड़ी बनाकर उसमें रहना चाहता हूँ। धीरे धीरे लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो स्थिर जीवी ऋषिमुख पर्वत की ओर चला गया, जहाँ बाकी कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर स्थिर जीवी बोला, अब आप सब निकट के जंगल से जहाँ आग लगी हुई है एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर आ जाएं और मेरे पीछे पीछे चले। कौवों की सेना जलती हुई लकड़ियाँ लेकर उल्लुओं की गुफा में आ जाते हैं और स्थिर जीवी द्वारा लगाए गए लकड़ियों के ढेर को आग लगा देते हैं। आग से उल्लुओं की या तो जलकर या तो दम घुटने से मौत हो जाती है। इस तरह से कौवों की विजय हो जाती है और उन्हें उल्लुओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।